सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर अपने मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें। दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक में अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक में अपने मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको फेसबुक ऐप को ओपन करनी है। जैसे दोस्तों फेसबुक ऐप ओपन करेंगे, ऐसा एंटर पे जा जाएगा। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए 3 लाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऐसा एंटर पे जा जाएगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से ऑप्शन आएगा प्रोफेशनल डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल नंबर रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पर नए मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते तो ऑप्शन आएगा ऐड टू न्यू कॉन्टैक्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चेंज करना चाहते तो उसके बाद में ऐड टू मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आईडी है उस पर टिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड डालने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चेंज लिखा भी हुआ है। तो इस प्रकार आप भी फेसबुक पे अपने मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। सिंपली सिंपल प्रोसेस है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको जो भी मोबाइल नंबर रहेंगे वो ऐप पे चेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप भी फेसबुक में अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।